सो वेलकम बैक टू द वैरायटी स्टफ। मेरा नाम है भूषण। आज हम बात करेंगे ब्लॉगर पे। ठीक है, ब्लॉगर पे ऐसा होता है कि ब्लॉग पे हम बहुत ट्राई करते हैं जेनेरिक ट्रैफिक लाने का, जो कि होता नहीं है और आपको बहुत दिक्कत जाती है हर एक चीज़ को लेके। तो आज मैं आपको पहले तो मैं मेरा ब्लॉग दिखाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि जेनेरिक ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं हम लोग अपने स्मार्टफोन से। ठीक है, स्मार्टफोन की बात करो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो उसी के रिलेटेड मैं आज बात करूँगा और बताऊँगा उसके कुछ गिने चुने जो दो तीन चीज़ें हैं वो। ठीक है, दो गिने चुने ऑप्शंस जिससे आपको कैसे क्या बैकलिंक बनानी पड़ती है, कैसे क्या करना पड़ता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेरे जो ब्लॉग है उस पर। ठीक है, तो मैंने वैसे मेरा ब्लॉग यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है। यह है मेरा ब्लॉग, ठीक है, द वैरायटी स्टफ। ये जनरली जो ब्लॉग है मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। मैं इसको वेब व्यू वर्जन में कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा ब्लॉग है और इस पर काफ़ी अच्छी एक ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा है। और अगर देखा जाए तो देखो, ये जो ये है एडवर्टीज़मेंट, ये यहाँ का नहीं है, ये कहीं बाहर का है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और ये मुझे बना के ऑलमोस्ट अभी 3 महीने हो गए हैं, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक भी है इस पर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन आर्टिकल अगर आप एडवर्टीज़मेंट लगाने चाहते हो, जैसे कि ये, तो ये कैसे लगाना, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरी इसकी ब्लॉग की ट्रैफिक सबसे पहले, तो कि क्या क्या और कहाँ कहाँ से आ रही है ट्रैफिक। ठीक है, हम सीधा ट्रैफिक सोर्सेस में बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से ऑडियंस देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ऑडियंस में आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, हाई वाला जो ट्रैफिक है वो आता है ऑलमोस्ट इंडिया से और बाकी हाई सीपीसी कंट्रीज़ है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है अननोन रीजन, ये देखिए। ठीक है, ये जो अननोन रीजन है ना, जहाँ से 78 पेज व्यूज आए हैं, ये बॉट होते हैं जो आपके पेज को पिंग करते हैं। ठीक है, तो आप इसका छोड़ दीजिए। आज का ट्रैफिक जो है मेरे इसमें आप देख सकते हो, इंडिया से 108 आया है और यूनाइटेड स्टेट से 7 व्यूज़ आया है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक नहीं है आज का, बट ये जो 7 जो व्यूज़ है ना, ये काफ़ी अच्छे हाई सीपीसी वाले व्यूज़ है और इसी से आज की जो मेरी अर्निंग हुई है वो हुई है। ठीक है, अर्निंग दिखाऊँगा नहीं क्योंकि आज की अर्निंग बहुत ज़्यादा है नहीं। तो चलिए हम लोग बढ़ते उस एप्लीकेशन की तरफ जिसकी बात मैं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है फ्री SEO टूल्स। ठीक है, तो ये जो साइड में है, ठीक है, बिल्कुल gaana.com के साइड में फ्री SEO टूल्स, ये एप्लीकेशन है जो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैकलिंक प्रोवाइड कर सकता है, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ से ट्रैफिक मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जैसे आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ दिख रहा है SEO निंजा एनालाइज़र, हम लोग इसको हटा देंगे, कोई इतना ज़्यादा ये नहीं, ये मेन चीज़ है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन तो हमने छोड़ दिया है वेबसाइट SEO एनालाइज़र। अगर SEO आपने किया है, यानी अगर आपका कौन से वर्ड्स रैंक है, कितना आपको टाइम लगता है आपके ब्लॉग को लोड होने में वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ आती है। अब इसमें मेन जो चीज़ है वो दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, आर्टिकल रीराइटर, इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप कहीं और से आर्टिकल अगर आप लेते हो, कॉपी पेस्ट करते हो सिर्फ, तो अगर आपने वो आर्टिकल रीराइटर में डाला और उसको आपने रीराइट किया, जैसे यहाँ पे सबमिट किया, ठीक है, कंट्रोल पेस्ट आपको करना है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल चेंज कर देगा। ठीक है, और वो आप चेक कर सकते हो, ये जो है प्लैगरिज्म में आप चेक कर सकते हो। प्लैगरिज्म में होता क्या है, जनरली जो आपने आर्टिकल जहाँ कहाँ से भी आपने कॉपी किया है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड्स है क्या ये यूज़ हुए हैं, क्या ये 100% आपने जो कॉपी किया हुआ है वो जब आप अपलोड करोगे तो कहाँ कहाँ पे सिमिलर वर्ड्स आएंगे। तो ये यहाँ पे बताता है कि आपका जो आर्टिकल है वो यूनिक है या नहीं। ठीक है, तो ये प्लैगरिज्म चेकर में होता है। अब बैकलिंक मेकर, ये तीसरा ऑप्शन है। बैकलिंक मेकर में एक्चुअल में क्या होता है, बैकलिंक मेकर में आपका जो भी आर्टिकल है, जो भी आपका ब्लॉग है, उससे रिलेटेड अगर आप बैकलिंक बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपना जो ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस है वो यहाँ पे डालना होता है। जैसे कि मेरा है www.thevarietystuff.com,
stuffs.blogspot.com, ठीक है। जैसे मैंने ये टाइप कर दिया, यहाँ पे सबमिट कर दिया, अब आप ये जो दिख रहे हैं, देख रहे हो, पेज कंटेंट्स बैकलिंक, यहाँ यहाँ मेरे बैकलिंक्स पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही पेजेस होते हैं जहाँ पे आपकी बैकलिंक्स ये बना देता है ताकि आपको जेनेरिक ट्रैफिक मिले। अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है। यानी ये जो 53 यहाँ पे 55 हो गया, अभी जब 53 था 55 हो गया, तो ये बैकलिंक्स बनाते जाएगा आपके लिए, ठीक है। जितने भी है वो आपका सर्च करेगा, फिर आपके लिए बैकलिंक बनाते जाएगा। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ पे, अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे अगर आपको लाना है, तो आप वो पोस्ट की जो लिंक है वो यहाँ पे डाल दीजिए, आपकी इसकी बैकलिंक तैयार हो जाएगी और आपको उस पर जेनेरिक ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। अब मेटा टैग जनरेटर जो है वो क्या होता है, मेटा टैग यानी नॉर्मल जो आप टैग्स डालते हो यूट्यूब में, वो आप देख सकते हो, वही टैग जो होता है वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी डालना होता है आपको, साइट के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे वही है, आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना होगा, आपकी साइट कहाँ क्या चीज़ से रिलेटेड है क्या नहीं, वो यहाँ पे पूरा बनाएगा, फिर इसको कंटेंट करेगा, जो कंटेंट रहेगा उसको कन्वर्ट करेगा HTML फाइल में, जो आपको कॉपी पेस्ट करना है आपके ब्लॉगर में जाके। कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये तो हम लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद की जो चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, वो है बैकलिंक चेकर, ठीक है। अगर आपने कहीं पे बैकलिंक बनाया हुआ है तो वो यहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पे आपका बैकलिंक बना हुआ है, तो हम लोग ये चेक कर लेते मेरे इसका। तो अब देखिए यहाँ पे मैं सबमिट कर दिया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो ज़ीरो बैकलिंक्स। ये जो बैकलिंक्स जब भी मैंने बनाया है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो ये ज़ीरो बैकलिंक जो आपको दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा, और जितने भी बैकलिंक्स मेरे अभी तक बने हुए हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे, या फिर आपको भी ऐसे ही आपके इसमें करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो, मैं आपको बताऊँगा, ये पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है इसमें, तो ये जो ऑप्शन है आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें का सबसे मेन जो 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 चीज़ था वो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल की कंडीशन में। अब हम लोग आ जाते हैं एकदम नीचे वाले इसमें, जिसमें है कीवर्ड सजेशन टूल, ठीक है। कीवर्ड सजेशन यानी अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो कोई ऐसा कीवर्ड, जैसे कि हम लोग लेते हैं रेडमी नोट 7, ठीक है। अब रेडमी नोट 7 जो है, ये कीवर्ड हमें देखना है क्या करता है, क्या कहाँ कहाँ मिलता है हमें। ये देखिए, ये जो कीवर्ड है ये फ़िलहाल की कंडीशन में सबसे ज़्यादा रैंक्ड कीवर्ड है, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, जितने भी 10 कीवर्ड्स है, अगर आप इन पे काम करते हो तो आपको ट्रैफिक तो ज़रूर मिलेगा, और अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। तो ये ट्रैफिक जनरेटर टूल ही है बेसिकली, ठीक है। तो आप कीवर्ड सजेशन टूल से भी अपना चेक कर सकते हो क्या क्या कीवर्ड आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में आप पेज स्पीड लोडर जो है चेकर, ठीक है, ये भी कर सकते हो। आपके मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि आपका जो ब्लॉग है, जो भी आपकी वेबसाइट है, उसका पेज कितनी देर में लोड होता है वो आपको चेक करना है, तो आप इसमें कर सकते हो। तो क्योंकि जितनी जल्दी आपका पेज लोड होगा, उतना जल्दी आगे वाले को, आपके व्यूअर्स को, आपके सब्सक्राइबर को आपका कंटेंट पढ़ना अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं तो वो चले जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा फिर, ठीक है, वो फिर से विज़िट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग वही कर देखने वाले हैं। अरे बाबा, चलिए ये तो फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आप इससे कर सकते हो। और जितने भी आप जो कुछ भी चेक करोगे, आप जो कुछ भी डालोगे आप, ठीक है, उसमें से आपको अगर अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लाना है, तो आप इसमें जाके नीचे जो मैंने दिया हुआ है, जो ये है कीवर्ड सजेशन टूल, आप इसमें देख सकते हो। इसमें आप रैंकिंग भी चेक कर सकते हो, हर एक कर सकते हो। वेबसाइट एनालाइजर में चले जाते हैं, मैंने पहले स्किप कर दिया था, उसकी वजह ये थी कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं इसको आज कवर नहीं करने वाला था, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ आज आपको इसमें क्या क्या चीज़ें दिखती है वो दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं अपने ब्लॉग का एड्रेस डाल देता हूँ, blogspot.com। तो यहाँ पे स्कैन होगा पहले, क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली वर्क करिए, क्या क्या नहीं, वो पूरा देखेगा।
हो गया है, ऑलमोस्ट डन जनरेटिंग रिपोर्ट। ये है मेरे इसका स्कोर, ठीक है, 9 मेजर इश्यूज़ जो मेरे इसमें है, क्योंकि मैं इस पर अभी भी वर्क कर रहा हूँ उस वजह से इसमें 9 अभी भी दिखा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो मेटा डिस्क्रिप्शन मेरे इसमें, तो मैंने द वैराइटी स्टफ ही डाल के रखा है, उसके ऊपर कुछ नहीं डाला है। तो ये एक चीज़ है जो वर्कआउट करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको पॉसिबल स्पैम्स वगैरह हर एक चीज़ आपको दिखेगी, कहाँ कहाँ से क्या क्या ट्राफिक आ रहा है, क्या नहीं, कीवर्ड सजेशन क्या है वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो अगर आपको ये देखना है कि आपके इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या है, तो उस पर वर्कआउट करने के लिए आपको ये टूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये टूल अच्छा लगा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वहाँ जाके बिल्कुल इसको जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो फ्री SEO टूल्स, ये देखिए, अगर आप इसे करते हो तो ये आपको दिख जाएगा, काफ़ी अच्छा वैसे एप्लीकेशन है और काफ़ी ज़्यादा इससे आपको मदद मिलेगी आपके ब्लॉग और आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। और अगर आपको फिर से ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना मुझे नीचे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको कुछ भी अगर ब्लॉग से रिलेटेड, तो मुझे बिल्कुल और बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपके इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मेरा नाम है भूषण, आप थे द वैराइटी स्टफ पे और टेक टू यूज़ पे, ज़रूर से ज़रूर टेक टू इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मेरा नया चैनल जिस पे मैं अभी टेक न्यूज़ पूरी की पूरी अपलोड करता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड गुड बाय।